back to my YouTube channel BioDictor. मैं सर रवि, MBBS third year student at Government Medical College Nahan. So last video में हमने बात करी थी end closing cut off of Himachal Pradesh for the state quota. वो हमने end closing cut off की बात करी थी. अब हम college wise discussion करने वाले हैं different colleges के लिए क्या cut off गई है. ठीक है, तो उसके बारे में हम discussion करने वाले हैं. तो जल्दी से शुरू करते हैं IGMC शिमला में. IGMC शिमला में अगर आप जनरल कैटेगरी में बात करोगे तो 657 और कैटेगरी रैंक, जनरल कैटेगरी रैंक की बात हो रही है यहाँ पे 45 तक अलॉटमेंट हुई है 647 और ओबीसी रैंक 10 तक अलॉटमेंट हुई है ओबीसी में 603 और रैंक 24 तक अलॉटमेंट हुई है एससी कैटेगरी में 613 एंड रैंक 8 तक अलॉटमेंट हुई है एसटी में और 631 रैंक 17 तक ईडब्ल्यूएस 623 सिंगल गर्ल चाइल्ड 623 बैकवर्ड एरिया में और 270 मार्क्स पर अलॉटमेंट हुई है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में. तो ये कट ऑफ रही है आईजीएमसी शिमला के लिए राउंड वन की. अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा के लिए. तो फर्स्ट राउंड में 643 पर क्लोज हुई है जनरल कैटेगरी रैंक 80 पर, 641 पर ओबीसी कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 15, 589 कैटेगरी रैंक 40 पर क्लोज हुई है एससी में, 602 और कैटेगरी रैंक 14 पर एसटी में, 619 और कैटेगरी रैंक 26 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 625 पर जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड रैंक 1. ठीक है, तो इस स्टूडेंट ने टांडा चूज किया था आईजीएमसी की बजाय. 615 जो कट ऑफ गई है वो बैकवर्ड एरिया में गई है कैटेगरी रैंक 6 तक, 229 कैटेगरी रैंक 3 तक अलॉटमेंट हुई है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में. तो ये जो कट ऑफ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा की रही है राउंड वन में. अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी की. मंडी की बात करेंगे अगर आप तो मंडी के लिए 632 जो है राउंड वन में जनरल कैटेगरी के लिए कैटेगरी रैंक 108 पर क्लोज हो गई है. 631 जो है वो क्लोजिंग कट ऑफ रही है ओबीसी कैटेगरी कैटेगरी रैंक 21 तक, 582 गई है एससी कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 48 तक, 590 एसटी की कट ऑफ देख रहे हो आप कॉन्स्टेंटली एससी से ज्यादा ही है, 590 कैटेगरी रैंक 18 तक, 611 कैटेगरी रैंक 33, 622 कैटेगरी रैंक 3 तक हुई है सिंगल गर्ल चाइल्ड में और 600 कैटेगरी रैंक 7 तक अलॉटमेंट हुई है बैकवर्ड एरिया में और 179 कैटेगरी रैंक 4 तक अलॉटमेंट जो है वो आपकी हुई है फॉर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में. तो ये इन तीनों कॉलेजेस की कट ऑफ रही है. अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की. हमीरपुर की कट ऑफ नाहन से ज्यादा है तो मैंने इसे सीक्वेंस में इसको पहले लिख लिया है. ठीक है, तो हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर राउंड वन में 621 मार्क्स कैटेगरी रैंक 156 पर अलॉटमेंट हुई है, 620 मार्क्स कैटेगरी रैंक 31 तक अलॉटमेंट हुई है, 560 मार्क्स कैटेगरी रैंक 70 तक, 585 मार्क्स कैटेगरी रैंक 26 तक एसटी में, 600 मार्क्स और उसके साथ ही कैटेगरी रैंक 44 तक ईडब्ल्यूएस में, सिंगल गर्ल चाइल्ड में 621 कैटेगरी रैंक 4 तक और बैकवर्ड एरिया में 596 कैटेगरी रैंक 9 तक और 168 पर अलॉटमेंट हो गई है फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में. तो ये डिफरेंट कैटेगरीज की कट ऑफ रही है फॉर जीएमसी हमीरपुर. ये हमने डिस्कशन कर लिया. अब हम मेडिकल कॉलेज नाहन की बात करने वाले हैं. मेडिकल कॉलेज नाहन की बात करें तो फर्स्ट राउंड में 613 पर क्लोज हो गया है जनरल कैटेगरी के लिए कैटेगरी रैंक 203 पर, 609 जो है ओबीसी कैटेगरी कैटेगरी रैंक 42 तक, 555 कैटेगरी रैंक 83 तक एससी में और 582 कैटेगरी रैंक 32 तक जो अलॉटमेंट हुई है एसटी में, 590 और कैटेगरी रैंक 56 तक अलॉटमेंट हुई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 612 पर कैटेगरी रैंक 7 सिंगल गर्ल चाइल्ड, 574 कैटेगरी रैंक 11 तक जो है अलॉटमेंट हुई है बैकवर्ड एरिया में. वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो सीट है अभी नाहन में खाली है और चंबा में भी खाली है. यहां पर अभी इस कैटेगरी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई है, यही अलॉटमेंट हुई है. अब बात करते हैं चंबा में भी खाली है यहां पर. ठीक है,
बात करते हैं एंड कट ऑफ, जो क्लोजिंग कट ऑफ मैंने पीछे भी बताया था वही जो क्लोजिंग कट ऑफ रही है 604 तो जनरल कैटेगरी में थी और 602 फिर ओबीसी कैटेगरी में थी, 544 एससी कैटेगरी में थी, 571 जो थी हमारी एसटी कैटेगरी में थी, 578 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थी, 602 पर जो है ये आपके सिंगल गर्ल चाइल्ड और 550 पर जो है बैकवर्ड एरिया में कट ऑफ रही थी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कट ऑफ रही है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की, सारी कॉलेजेस की कट ऑफ हमने डिस्कस कर लिया है। अब मेन मुद्दा ये उठता है कि एंड कितने मार्क्स तक जो है कॉलेजेस अलॉट हो सकती है, इसके बारे में भी हमें बात करनी है। ठीक है, तो अभी हम इसका आइडिया आप रैंक से लगा सकते हो, जैसे 235 अगर 15 सीट वैकेंट बचती है तो 250 रैंक तक वालों के अच्छे चांस बन जाएंगे, यहाँ पे अगर दो एक सीट बनती है तो 50 वालों के अच्छे चांस बन जाएंगे, इस तरह से जो चीजें हैं वो वेरी करेंगी। तो ये थी राउंड फर्स्ट की डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज की क्लोजिंग कट ऑफ, और नेक्स्ट हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाएंगे राउंड सेकंड का, वो वीडियो हम बनाएंगे जब वैकेंसी लिस्ट आ जाएगी, तो वैकेंसी लिस्ट के बाद हम प्रेडिक्शन करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी आपका डाउट कंफ्यूजन इंक्वायरी रह जाती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।